रेवाड़ी जिले की एक कंपनी को चालक ने ही लाखों रुपए की चपत लगा दी। शातिर चालक 70 लाख रुपए का स्क्रैप भरकर इंदौर के लिए चला था। जहां माल पहुंच रहा था वहां पर चेक किया गया तो 1500 किलोग्राम से भी ज्यादा स्क्रैप गायब मिला। ड्राइवर ने कॉल कर पहले ही बता दिया था कि गाड़ी में तकनीकी वजह से आग लगी है और माल भी चोरी हो गया। रेवाड़ी के TP9 कॉलोनी निवासी विजय कुमार ने सिटी पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई। शहर थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद तुरंत पुलिस हरकत में आई और चालक से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने सब कुछ उगल दिया। आरोपी चालक को माल सहित गिरफ्तार कर लिया गया जिसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये विजय कुमार है, निवासी रेवाड़ी। इन्होंने 17 तारीख को एक कंप्लेंट दी थी हमारे पास कि उन्होंने यहाँ से जो कॉपर की जो स्क्रैप होती है वो इंदौर के लिए लोड की थी गाड़ी में, और उसमें बाद में जब देखा कि इसमें लगभग 1500 kg यानी 15 क्विंटल माल है वो कम मिला जब कंपनी में माल पहुँचा इंदौर के पास, तो शिकायत पर हमने FIR लॉज की। FIR लॉज करने के बाद में रिसेंटली हमने इसमें एक्यूज है मुबारक सनोक्ताज मोहम्मद निवासी चुंडी का थाना तावड़ू, उसको हमने नैब के राउंड किया। उसके बाद पूछताछ करके हमने जो भी टोटल जो माल उसने गबन किया था, चोरी किया था, वो माल हमने रिकवर कर दिया है। समथिंग 9.5 लाख रुपए का माल है और माल बरामद हो गया, एक्यूज हमने अरेस्ट कर दिया। इसमें ड्राइवर ने कहानी बनाई थी कि वहाँ इंदौर के पास की गाड़ी में आग लगी है ताकि इस माल का ये इसमें मेंशन कर सके कि भाई इंदौर के पास ही माल चोरी हुआ है, लेकिन सच्चाई है कि ये सोना के पास ये ड्राइवर है अपने रिश्तेदार के खेतों में माल छुपा के गया था। जब हमने गड़ाई से इसे पूछताछ की उसके बाद सच्चाई सामने आ गई और कल ही हमने माल बरामद